कोलकाता मुंबई से एजेंटों से युवतियों को बुलवाकर देह व्यापार में धकेलने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। होटल संचालक के साथ मिलकर संचालित किया जा रहा था देह व्यापार का सेक्स रैकेट। पुलिस ने 5 युवतियों और होटल संचालक सहित दलाल और ग्राहकों पर कार्रवाई की है। 5 युवतियां और 6 पुरुष को पुलिस ने पकड़ा है। दरअसल मुखबिर की सूचना पर विजयनगर थाना पुलिस ने होटल लव में अनैतिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, जिस पर पुलिस ने टीम गठित कर दबिश देने पर होटल की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मुकेश ए दलाल, प्रदीप जोशी और सोनू सहित होटल संचालक नीरज शर्मा को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। वहीं 5 और 3 अन्य पुरुष को हिरासत में लेकर कार्रवाई की गई है। पूछताछ में बताया गया कि गिरोह मुंबई कोलकाता से एजेंटों द्वारा लड़कियों को बुलवाकर यहां अनैतिक कार्य कराते थे। पुलिस ने सेक्स रैकेट का पर्दाफाश करते हुए कुल 11 आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। होटल चेकिंग के दौरान जानकारी मिली थी कि एक होटल में कुछ एजेंट लोग देह व्यापार करवा रहे हैं। इस सूचना पर महिला उप निरीक्षक प्रियंका शर्मा द्वारा दबिश दी गई थी, जहाँ पर 5 महिला और 6 पुरुषों को देह व्यापार के उसमें गिरफ्तार किया गया है, जिनसे भी पूछताछ की जा रही है। कितने पुरुष वगैरह साथ? 6 पुरुष और 5 महिलाएं गिरफ्तार की गई। ये 2-3 महीने से बता रहे हैं, अभी 2-3 महीने से चल रहा था। इसके संबंध में अभी विस्तृत पूछताछ जारी है। होटल लव ये जो शीतल नगर, जो महिला हैं वो तो बाहर की हैं और एजेंट जो 2 हैं वो यहीं इंदौर के हैं। होटल मालिक को भी मुलजिम बनाया गया है उसमें।